ढलते सूरज की पुकार पर रात के अंधेरे से लड़ते दीपक की रोशनी का नाम है जनक। प्रकृति और मनुष्य के रिश्ते नातों की भूली बिसरी गूंज की झनकार है जनक दीदी। जनक पलटा मिगिलिगन अक्षय ऊर्जा के लिए समर्पित उन प्रयासों की चलती फिरती किताब है, जिसके पन्नों का एक एक अक्षर भावी पीढ़ी को सुजलाम सुफलाम वसुंधरा यानी हरी भरी धरती सौंपने का वचन देता है। यहाँ पर ये हमारा छोटा सा एक बायोडाइवर्सिटी फार्म है, जो कि ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है और सेल्फ सस्टेनेबल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे सारे, ये हमारे लगभग साल भर के लिए सारे हमारे काम आते रहते हैं। जिस मौसम में जो चीज होती है हम उसको उगा लेते हैं और फिर हम लोग उसको प्रोसेस भी करते हैं, सोलर ड्राइंग भी करते हैं, जैम भी बनाते हैं, ऑयल्स भी बनाते हैं, कलर्स भी बनाते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन के सटीक उपायों को हजारों हाथों ने सीख कर अपनाया है। पहले मैंने जनक दीदी का घर नहीं देखा था, तो बहुत से लोग आते थे इंदौर से, तो जनक दीदी का घर पूछते थे, तो मैं जनक दीदी का घर बताता था कि सर चले जाइए आगे घर है उनका आड़ी के पास। फिर उसके बाद जनक दीदी ने मुझे एक दिन चाय पे बुलाया। जब मैं उनके यहाँ चाय पीने गया तो जनक दीदी ने मेरे को बताया कि धूप से भी चाय बनती है। मैं गैस पर चाय बनाने वाला आदमी था, तो फिर मैंने वहाँ जाके देखा कि धूप से सोलर पर चाय बन रही थी। मुझे विश्वास नहीं हुआ और दीदी ने मुझे चाय बना के पिलाई, तो मैंने पी तो मेरे को चाय बड़ी अच्छी लगी और बड़ी एनर्जी वाली चाय लगी, क्योंकि मैं तो डेली चाय पीता था और वो चाय पीने के बाद एक थोड़ी सी एनर्जी आई, तो मेरे भी एक मन में भावना जागी कि मैं भी सोलर पर चाय बना सकता हूँ। तो फिर मेरी भी दुकान थी, तो मैंने दीदी से बात करा, फिर दीदी ने मेरे को सोलर दिलाया, तो आज मैं सोलर पर चाय बेच रहा हूँ। शहर कस्बे और गाँव तक, खेत खलिहान के पड़ाव तक जैविक खेती का रास्ता जनक दीदी के घर से ही जाता है। दीदी के कारण मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने की क्षमता हम लोगों में आई है। और ये जो कर रहा हूँ मैं ऑर्गेनिक फार्म पूरा, तो इसमें शुरुआत में लोग हंसते थे, पागल बोलते थे ये कोई खेती होती है क्या, घास उग रही है ज़्यादा। पर दीदी हमेशा उस चीज़ को हटा के हमको पॉजिटिविटी देती आई। और इसके अलावा दीदी से हमको मार्केटिंग में भी हेल्प मिलती है, दीदी हमको मार्केटिंग के तरीके भी बताती है, मार्केटिंग भी करती है। एक मॉडल बनाना चाह रहे हैं दीदी पूरे गांव को, और उसमें अभी गांव में सोलर टी स्टॉल भी शुरू हुआ है, प्लास्टिक भी अवॉइड कर रहे हैं लोग। दीदी से सीख तो सबसे बड़ी यही मिलती है, कोई भी चीज़ से डरना नहीं, क्योंकि दीदी ने जो अपना जीवन जिया है, जो पूरा उनने काम किया है, वो उनकी लाइफ स्टाइल अभी भी इतनी हैवी है कि हम लोग वैसी नहीं जी पाते, पर कोशिश कर रहे हैं कि दीदी की जो चीज़ें हैं वो सब एक्सेप्ट करें और एक सस्टेनेबल लाइफ जिए। आम जिंदगी से अलहदा जनक पलटा मिगिलिगन ने नारी के उस तेज से ग्रामीण जीवन में उजियारा किया है, जिसे हम शक्ति के रूप में देखते हैं और बिजली के रूप में पुकारते हैं। 21वीं सदी में संवहनीय सतत धारणीय विकास के लिए जरूरी जीवन चर्या को आज जीना सिखाती हैं पद्मश्री से सम्मानित हमारी जनक दीदी। ये है मेरा हीट रिटेनर बास्केट, जो एनर्जी सेविंग है, जिसमें हम लोग दोपहर का बना हुआ खाना शाम तक खा सकते हैं, शाम को सूर्य अस्त तक खाना बन जाता है, वो इसमें रख देते हैं, ना इसमें खाना दोबारा चूल्हा जलाना पड़ता है, ना गर्म करना पड़ता है, ना फिर और बर्तन दोबारा यूज़ करने पड़ते हैं, ना टाइम वेस्ट होता है। इस बास्केट में केवल यहाँ पर अंदर रुई लगी हुई है अंदर, जिसकी जगह पर हम गर्म कपड़े, पुराने शॉल, स्वेटर, कोई भी चीज़ ऐसी अंदर लगा सकते हैं जो हमारे पास पुराना कुछ भी पड़ा है, या सूती कपड़े भी अगर पड़े हैं तो इसके अंदर लगा देंगे, तो ये इंसुलेशन का काम करती है सारी। ये नीचे भी है इसमें और यहाँ भी है, और इसके अंदर ये बॉक्स रख दिया जाता है, इसमें टिफ़िन, दो तीन छोटे डिब्बे हमारे जो भी हैं वो रख देते हैं, और इसको ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, इसमें खाना गर्म रहता है। जनक दीदी की आंतरिक शक्ति ने पर्यावरण संतुलन को पीछे धकेला है। मेरी ये सब चीजें मेरे साथ रहती हैं, इसमें मेरा पानी रहता है,
ये मेरा ग्लास रहता है ठंडा गरम, बाहर जो भी पीना है। ये छोटा सा एक नैपकिन रहता है और ये रुमाल रहता है। इसके कारण मैं बाहर कोई भी जाऊं तो प्लास्टिक में, डिस्पोजेबल में पानी, ठंडा गरम, जूस, छाछ जो भी पीना है तो ये मेरे साथ रहता है। मैं ग्लास में जब ऑफर करते हैं तो ग्लास में ले लेती हूँ, और पेपर नैपकिन भी यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वो एक पेड़ से बनते हैं, तो इसलिए ये प्लास्टिक और इससे मुक्त हूँ। 34 साल से कचरा नहीं किया है जीवन में। कटते जंगल, बढ़ती जनसंख्या और घटते प्राकृतिक संसाधनों के बीच सतत धारणीय विकास की पताका थामे जनक पलटा मिगिलिगन ने स्वामी विवेकानंद के उन शब्दों को चरितार्थ किया है जिसमें उन्होंने कहा था, 500 पुरुषों के साथ भारत विजय को 50 साल लग सकते हैं, पर कई महिलाओं के साथ कुछ सप्ताह से अधिक नहीं।